बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि बेहतरीन एक्टर की लिस्ट में शामिल अजय देवगन का पहला प्यार हमेशा से निर्देशन ही रहा है। अजय इन दिनों अपनी फिल्म भोला को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस फिल्म में अजय एक्टर के साथ साथ निर्देशन का भी काम संभाल रहे हैं। अजय देवगन ने 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस वक्त वो केवल 19 साल के ही थे। अजय देवगन के साथ एक्ट्रेस मधु ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इतना ही नहीं, इस फिल्म के निर्देशक कुक्कू कोहली की भी ये पहली फिल्म थी। लगभग फिल्म की पूरी टीम ही नई थी। वहीं ये फिल्म जिस दिन रिलीज होने वाली थी उस दिन यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म लम्हे भी रिलीज हो रही थी। जहां एक तरफ यश चोपड़ा की लम्हे में चालबाज और चांदनी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी श्रीदेवी और राम लखन से पॉपुलर हो चुके अनिल कपूर थे, तो वहीं फूल और कांटे से दो नए एक्टर्स डेब्यू करने जा रहे थे। फिल्म जगत में सभी को लग रहा था कि कुक्कू कोहली की ये फिल्म लम्हे को दूर दूर तक टक्कर नहीं दे सकती। शायद यही वजह थी जब दोनों फिल्मों का प्रीमियर एक साथ हुआ तो फूल और कांटे के लिए कोई भी बड़ा स्टार नहीं आया। केवल अनिल कपूर ही एक ऐसे सितारे थे जो अपनी फिल्म का प्रीमियर छोड़कर अजय देवगन और मधु की फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे थे। लेकिन फिल्म देखने के बाद अनिल कपूर ने अजय देवगन को एक नसीहत भी दे डाली थी। इस बात का खुलासा खुद अजय देवगन ने आपकी अदालत में किया था। अजय देवगन ने बताया था कि अनिल कपूर ने उनसे कहा कि इस फिल्म में दो नए एक्टर्स और नया डायरेक्टर है, ये फिल्म लम्हे को कैसे टक्कर देगी, अगर वो चाहे तो अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदल सकते हैं। लेकिन अजय देवगन की फिल्म पहले से ही तय हुई तारीख पर ही रिलीज हुई। जब ये फिल्म पर्दे पर उतर गई तो वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे यादगार फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस पर लम्हे को ऐसी धूल चटाई जो कभी सोचा भी नहीं था। फूल और कांटे की जबरदस्त सफलता के बाद अजय और मधु रातों रात स्टार बन गए थे।